Audio Jungle. तो दोस्तों एंड्रॉयड मोडिंग कस्टमाइजेशन और अपडेटिंग टिप्स ट्रिक के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और लेटेस्ट जानकारी पाते रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक एंड्रॉयड हिंदी में। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने डिवाइस को रूट कैसे करना है प्रॉपरली ढंग से, और उसमें जो है आप रिकवरी को कैसे फ्लैश कर सकते हैं, और वो भी सब बिना पीसी के। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपका 5.0 से नीचे का है या फिर 5.0 लॉलीपॉप है तभी आप कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका मार्शमेलो होगा तो आप जो है बिना कंप्यूटर के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्शमेलो का सिक्योरिटी पैच जो है हाई होता है, तो इसका इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका 5.0 है तो आपको ये दो फाइल आपको डाउनलोड करनी है, तीन फाइल डाउनलोड करनी है। पहला फ्लेसिफाई, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्लेसिफाई आप देख सकते हैं, और दूसरा जो है किंगो रूट है, और यहाँ पे एक रिकवरी है। तो रिकवरी को आप जो है अपने मॉडल नंबर के अनुसार डाउनलोड करें, आपको मिल जाएगा .img फाइल में। तो ये तीन फाइल है मेरे पास, एक किंग रूट है, एक फ्लेसिफाई है और एक TWRP है। तो इन दोनों एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन रिकवरी को आप खुद डाउनलोड कर लें तो आपको जो है सर्च करना है गूगल में, आप उन मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्लेसिफाई को आपको इंस्टॉल करनी है सबसे पहले, और फ्लेसिफाई को इंस्टॉल करने के बाद आपको किंग रूट को भी इंस्टॉल करना है, जैसे कि मैंने दोनों को इंस्टॉल कर लिया। और यहाँ पर आपको किंगो रूट में आपको जाने के बाद वन क्लिक रूट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो है ये डिवाइस रूट हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ ये मेरा लेनोवो वाइव के फाइव है, लेकिन वाइव के फाइव में तो ये पक्का वर्क करेगा, के फाइव हो या के फाइव प्लस हो। और देख सकते हैं अभी मेरा ये यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर में जाके डेवलपर ऑप्शन में आपको जाना है और OEM को अनलॉक करना है। OEM अनलॉकिंग करने से जो है ये अलाउ करता है बूट लोडर को, हाँ ये ऑन हो जाएगा, बूट लोडर आपका अनलॉक हो जाता है। तो USB डीबगिंग को भी ऑन कर दें, और बस इतना सारा कर दें, ये दो चीज़ OEM और USB डीबगिंग। इससे ऑन करने के बाद अब आपको फिर से आपको किंग रूट में जाना है, और आपको जो है नेट कनेक्शन ऑन करना है, जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किंग रूट मैंने ओपन किया, और यहाँ पे आपको वन क्लिक रूट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका कुछ टाइम लेगा, 5 मिनट 7 मिनट ऐसा लेगा, या फिर ये 1 मिनट में भी हो जाता है कभी कभी। तो इस तरह से मैंने जो है यहाँ पे 5 मिनट वेट किया था रूट करने के लिए, उसके बाद जो है ये इजीली तरह से रूट हो जाती है। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे 90% ये देख सकते हैं मेरा जो है रूटेड हो चुका है, और क्योंकि मुझे वहाँ पे टाइम लगा था। तो अब जो है यहाँ पे आप रूट चेकर बेसिक से मैं अभी आपको दिखा दूँ चेक करके कि मेरा डिवाइस रूटेड है या नहीं। तो यहाँ पे आपको उसे ऑन करते हैं उस एप्लीकेशन को, और यहाँ पे एग्री करके, और यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, या फाइनली ये देख सकते हैं मेरा जो है डिवाइस जो है सक्सेसफुल रूट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे परमिशन मांगा है सुपर एसयू का। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने रूट कर लिया, और यहाँ पे आपको रिकवरी को फ्लैश करने के लिए, रिकवरी को अपने इंस्टॉल करने के लिए कस्टम रिकवरी को, आपको जो है फ्लेसिफाई को ओपन करना है, फ्लेसिफाई परमिशन लेगा, उसे ग्रांट कर दें सुपर एसयू से, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे डाटा कनेक्शन बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है डाटा कनेक्शन की। तो अब यहाँ पे आपका जो अभी का रिकवरी है उसे बैकअप कर सकते हैं, जैसे कि मैं बैकअप कर रहा हूँ अपने कर्नल और रिकवरी को, ये SD कार्ड में बैकअप करें, ताकि अगर आप जब चाहें कि नहीं मुझे स्टॉक वाला में जाना है तो आप स्टॉक वाला में आ सकते हैं। तो इस तरह से आप रिकवरी कर लें सेफ्टी के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब करना। तो मैंने इस तरह से कर लिया, और यहाँ पर आपको फ्लैश पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पर आपको फ्लैश पर क्लिक करनी है, और यहाँ पर रिकवरी IMG वो जो फाइल आपने अपने डिवाइस के लिए डाउनलोड किया था रिकवरी, उसे आपको चूज करना है। तो मैं चूज फाइल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको चूज करना है, और यहाँ पे SD कार्ड में मैंने रखा था, तो मैं यहाँ पे अभी स्क्रॉल करके मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये .img फाइल में है, मैंने जस्ट उस पर क्लिक किया और मुझे इस तरह से आया फ्लैश रिकवरी का क्वेश्चन मार्क करके, तो मैं यहाँ पर यूप कर रहा हूँ, और ये देख सकते हैं ये फ्लैशिंग जो है हो रही है। तो 5.0 के ऊपर तो बिना कंप्यूटर के जो है फ्लैश हो जाती है, लेकिन अगर आपका मार्शमेलो है तो आपका अलग मेथड होगा रिकवरी को फ्लैश करने का। तो उसके बाद जो है आपका डिवाइस रिबूट के लिए मांगता है, तो रिबूट कर दें, उसके बाद ये देखते हैं ये रिकवरी जो है फ्लैश हो चुकी है। दोस्तों मैं बता दूँ कि लेनोवो K5 और K5 Plus में तो गारंटी है वर्क करेगा, उम्मीद है और भी डिवाइस में वर्क कर सकता है। तो इस तरह से जो आप रिकवरी से मोड कर सकते हैं, मैं रिकवरी के बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, आप उसे चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में।
उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को और भी यूजर के साथ शेयर करें और इसके बाद जो है कस्टमाइजेशन जो है अपने एंड्रॉयड में कर सकते हैं और अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं अगर जो आपका अपडेट नहीं आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो आपको यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बेल आइकन आएगा तो उस पर क्लिक कर लें, उससे जो है कि आपको जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे लाइक बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं अगर जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो।